हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश और आप सभी लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डार्क वेब और डीप वेब के बारे में। और जिन लोगों को पता नहीं है कि डार्क वेब और डीप वेब क्या है, मैं उन्हें ये बता दूँ, डार्क वेब और डीप वेब इंटरनेट का ही हिस्सा है। और ये जो पूरा का पूरा इंटरनेट है, ये तीन भाग में बांटा गया है। एक है सरफेस वेब, दूसरा है डार्क वेब और तीसरा है डीप वेब। हमारा जो सरफेस वेब है, ये टोटल इंटरनेट का 1% है, और जो बाकी का जो दो रहा, मतलब डार्क वेब और डीप वेब, ये इंटरनेट का दो ही मतलब सीक्रेट हिस्सा है, जिसको एक नॉर्मल आदमी एक्सेस नहीं कर सकता। तो आज हम लोग इस वीडियो में उसी के बारे में ही बात करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट डार्क वेब और डीप वेब के बारे में जानेंगे। तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ जानने के लिए आपको इस वीडियो को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो बिना किसी टाइम गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं अविनाश और आप देख रहे हैं अभी पर यूट्यूब चैनल। और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि मेरा हर रोज ऐसा जो न्यू वीडियो का अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों, डार्क वेब आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 2001 में इसका साइज 7.5 पेटाबाइट था, लेकिन 2003 में इसका साइज 91,000 पेटाबाइट हो गया है। इसका मतलब ये दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। क्या आपको पता है, डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए एक खास तरह का स्पेशल ब्राउज़र यूज़ करना पड़ता है, जिसका नाम है टॉर ब्राउज़र। ये इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये आपको एनोनिमस रखता है और आपके आईपी को, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल को, आपका जो डिवाइस का जो भी आईपी होता है, ये ब्राउज़र डार्क वेब को एक्सेस करने के टाइम ये आपको आईपी का रिले बना देता है, मतलब छुपा देता है। इसीलिए डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए टॉर ब्राउज़र का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि डार्क वेब में चुराई हुए क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स बेचा जाता है, और उसी डिटेल्स को खरीद के कुछ असामाजिक लोग इलीगल चीज़ें खरीदते हैं। और आपको ये जान के भी हैरानी होगी कि डार्क वेब में आपको ऐसी किताबें मिल जाएंगे जो कि आम लोगों के लिए बैन है। दोस्तों, डार्क वेब पे फेक आईडी बहुत बेचा जाता है, मतलब कोई भी देश का वीज़ा हो, कोई भी देश का पासपोर्ट हो, ये डार्क वेब में बहुत बिकता है। और ये डार्क वेब में सबसे पॉपुलर चीज़ भी है। ये इलीगल है और डार्क वेब में बहुत ही पॉपुलर है, जिसका रेट $1,000 से शुरू होता है। मतलब आप उसी साइट को जाके कोई भी डीलर को $1,000 दोगे तो आपको शुरुआती जो पासपोर्ट होता है वो आपको प्रोवाइड करेगा आपके मतलब घर के एड्रेस से। और ये आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत ही इलीगल है। दोस्तों, आजकल हम कुछ भी ऑनलाइन परचेस करते हैं तो हम काम में इस्तेमाल लेते हैं हमारे डेबिट कार्ड को, नेट बैंकिंग को, UPI को। लेकिन डार्क वेब में आप कुछ इलीगल चीज़ें खरीदते हैं या कोई भी सामान खरीद के ट्रांसफ़र करें, मतलब पैसा देंगे, तो आपको बिटकॉइन में ही ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। बिटकॉइन में ट्रांसफ़र किया जाता है क्योंकि बिटकॉइन का जो भी ट्रांजेक्शन होता है, ये इसको कोई भी ट्रेस नहीं कर पाता है। इसीलिए बिटकॉइन डार्क वेब में बहुत चलता है। और जिन लोगों को पता नहीं है कि बिटकॉइन क्या है, मैं उन लोगों को ये बता दूं कि बिटकॉइन एक इलेक्ट्रॉनिक्स करेंसी है, जिसका ऊपर कोई भी देश का, सरकार का कोई भी कंट्रोल नहीं है। इसीलिए ये बिटकॉइन डार्क वेब में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग भूत प्रेत या जो आत्मा होता है उनमें से विश्वास नहीं करते होंगे, इवन मैं भी नहीं करता। लेकिन डार्क वेब में क्या होता है, आत्माओं का भी मतलब डील किया जाता है, आत्माओं को बेचा जाता है। ये कितना सही है कितना गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक फैक्ट है कि डार्क वेब में आत्माओं को भी बेचा जाता है। दोस्तों, जैसे ही आप लोगों को पता होगा कि डार्क वेब में बहुत ही इलीगल चीज़ें होता है, बहुत क्रिमिनल इसको यूज़ करते हैं और बहुत इलीगल चीज़ें यहाँ पर बेचा जाता है, लेकिन आपको ये जान के भी हैरानी होगी कि डार्क वेब को हमारे ही गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर कर रहा है और हमारे गवर्नमेंट यूज़ कर रहा है। और जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं और जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं, वो भी इस डार्क वेब को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो डार्क वेब में जो भी डाटा रखा जाएगा, इसको एक्सेस करना हर किसी का बस के बात नहीं है। इसीलिए बड़े बड़े जर्नलिस्ट और हमारे गवर्नमेंट भी इस डार्क वेब को यूज़ करते हैं। डेथ क्रिप्ट, जो एक फॉरेन लेखक है, या कभी भी बोल सकते हैं, मतलब जो सॉन्ग वगैरह लिखते हैं, उन्होंने एक एल्बम लिखा था जिसका नाम है नो लव इन डीप वेब। और इसका मतलब है डीप वेब और डार्क वेब में प्यार नाम का कोई चीज़ ही नहीं है,
और ये जो एल्बम लॉन्च हुआ था ये नॉर्मल लोगों के लिए लॉन्च नहीं हुआ था, ये सिर्फ और सिर्फ डीप वेब और डार्क वेब में ही लॉन्च किया गया था। और ये काफ़ी हद तक सही है कि डीप वेब और डार्क वेब में प्यार नाम का कोई भी चीज़ नहीं है। दोस्तों क्या आप जानते हैं आज भी डार्क वेब और डीप वेब में 200,000 से ज़्यादा इलीगल वेबसाइट एक्टिवेट आज भी है। दोस्तों डार्क वेब और डीप वेब में बहुत सारे सीक्रेट छुपा हुआ है, जैसे कि वर्ल्ड वॉर के सीक्रेट और एलियंस के सीक्रेट और बहुत सारे इन्वेशंस के सीक्रेट, मतलब जो भी नए नए आविष्कार हुआ है जिसको एक आम आदमी के मतलब पहुंच से दूर रखा गया है, वो सारा का सारा डाटा डीप वेब और डार्क वेब में छुपा हुआ है। दोस्तों डार्क वेब और डीप वेब में इतना इल्लीगल चीज़ें होता है कि यहाँ पर आप ड्रग्स कोकेन मतलब बेचा जाता है और आप हैकर हायर कर सकते हैं और यहाँ मतलब सुपारी किलर भी आप हायर कर सकते हैं और यहाँ चाइल्ड प्रोनोग्राफी बहुत चलता है और जितना भी इल्लीगल चीज़ें होता है ऑनलाइन ये सब डार्क वेब और डीप वेब में ही होता है। दोस्तों आई होप कि आपको ये डार्क वेब और डीप वेब के बारे में ये सब सारे फैक्ट जान के बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर। अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलता हूँ आपसे एक अगले न्यू वीडियो पर। तब तक के लिए गुड बाय।